हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आयशा व्लॉग्स। सो मैं आज बात करने वाली हूँ कॉलेज की, जो कि है दून यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। सो मैंने एक वीडियो डाली थी हॉस्टल की, जो दून यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कॉलेज के बारे में। तो मैंने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं दून यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और हॉस्टल से रिलेटेड, तो मैं उनके सारे आंसर्स दूंगी मैं आपको, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कॉलेज के बारे में जानने को। जितना हो पाएगा मैं आपको आंसर करूँगी, और अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, उनके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले दून यूनिवर्सिटी कॉलेज है उत्तराखंड के अंदर देहरादून में, एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है मेरे अकॉर्डिंग। और मेनली ये कॉलेज बेस्ट है लैंग्वेज के लिए, यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और अभी रिसेंटली बीटेक भी इसमें इंक्लूड हुआ है, बीसी ईयर से बीटेक इंक्लूड हुआ है। एंड सो इसमें जो कोर्सेज हैं मैं आपको यहाँ पे वो कर दूँगी, दिखा दूँगी, आप देख लेना। यहाँ पे बैचलर के कोर्स हैं, मास्टर्स के हैं, पीएचडी है इधर, एंड कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। इसका कैंपस बहुत सुंदर है, मेनली जो ये यूनिवर्सिटी है इसमें बाहर के लोग बहुत आते हैं, उत्तराखंड से जो बाहर के स्टेट के लोग हैं वो बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। जो इसका एडमिशन प्रोसेस है, इसमें आपको टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है कॉलेज के अंदर, उसमें आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलता है इस कॉलेज में, बिना टेस्ट के यहाँ एडमिशन नहीं मिलता। सो ये हो गया। और ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको कॉलेज के साथ साथ किसी और चीज़ की प्रिपरेशन भी करनी है, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है, और यहाँ जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, जिनको प्राइवेसी चाहिए, उनके लिए बहुत बेस्ट है। जो एक और प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का वो है कि जो यहाँ की फ़ीस है वो काफ़ी सही है, बहुत कम है, और कॉलेजेस के अकॉर्डिंग जो यहाँ कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी जो फ़ीस है और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा है, और यहाँ उसका 50% इसी के अराउंड है। यहाँ की फ़ीस काफ़ी अच्छी है, आप कॉलेज कोर्स के साथ कोई और अगर किसी और चीज़ की पढ़ाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो साथ में, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, हम्बल है, आपको सारी गाइडेंस मिलती है, हेल्प मिलती है। जब आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज में, उसके बाद आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हो। हॉस्टल का आपको फॉर्म भरना पड़ता है, जो आपको वेबसाइट दून यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाता है। फॉर्म फिल करने के बाद एक लिस्ट आती है, अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो उसकी वेटिंग लिस्ट आती है, अगर उसमें भी नहीं है देन सेकंड लिस्ट आती है, फिर अगर उसमें भी नहीं है देन सेकंड की वेटिंग लिस्ट आती है। तीन या चार लिस्ट आती हैं, उनमें अगर आपका नाम होगा तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और मोस्टली जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं उनको बहुत ईजीली हॉस्टल मिल जाता है, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं उनको शेयरिंग में मिलता है, किसी का मुझे कमेंट भी आया था, तो येस उनको फर्स्ट ईयर में शेयरिंग में रूम मिलता है, देन सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आपको सिंगल रूम मिलता है। हमें हॉस्टल में क्या चीज़ें मिलती हैं उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना। तो जो हॉस्टल की फ़ीस है वो अराउंड 18 to 20,000 पर सेमेस्टर है, इंक्लूडिंग फूड, उसमें आपको तीन टाइम का खाना मिलता है, और शाम की चाय मिलती है, उसके साथ स्नैक्स मिलता है, नूडल्स, समोसा, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं हर दिन की। देन आपको हॉस्टल में वाईफाई भी मिलता है, 24/7 वाईफाई मिलता है, अगर कभी वाईफाई बंद हो जाए तो आप नीचे जाकर के बात कर सकते हैं कि वाईफाई बंद हो गया, वो आपका वाईफाई ऑन करवा देंगे। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हॉस्टल में रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, मेजर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है हॉस्टल में, जैसे आप अपने एक रूम पर रहते हो वैसे ही आप हॉस्टल में रहते हो, वहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंट्री टाइम है वहाँ का 10 बजे, रात के 10 बजे तक आपको हॉस्टल में एंट्री करनी होती है, आई थिंक कभी कभी वो 9:30 हो जाता है, 9:30 से पहले आपको हॉस्टल में एंट्री करनी पड़ती है, आप सुबह जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, और आपको 9:30 बजे तक वापस आना है। जाने से पहले आपको एक लीव फॉर्म भरना पड़ता है, जो आपको नीचे ऑफिस में मिल जाता है, वहाँ से लीव फॉर्म भरिए और आप जाइए। कैंटीन है कैंपस के अंदर, उसमें चीज़ें मिल जाती हैं जो भी आपको चाहिए, एंड ग्राउंड है वहाँ पर, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं या स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या नहीं भी हैं और आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप आगे लेवल पे भी जा सकते हैं। जो हॉस्टल है वो कैंपस के अंदर ही है, तो आप हॉस्टल से अपनी क्लास तक का जो डिस्टेंस है वो मुश्किल से 2 से 5 मिनट के बीच में होगा, तो आप 2 से 5 मिनट में अपनी क्लास में भी पहुँचेंगे। इससे क्या होता है आपका बहुत टाइम बच जाता है, और जो क्लासेस का टाइम है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो 3-4 घंटे आप कॉलेज में क्लासेस में रहते हो, उसके बाद आपको बहुत टाइम मिल जाता है स्टडी करने के लिए। लाइब्रेरी मिल जाती है, किसी एक का कमेंट आ रहा था बुक्स के बारे में, तो आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको लाइब्रेरी में मिल जाती है, आप लाइब्रेरी से बुक इशू कर सकते हैं, आफ्टर 15 डेज आप उन बुक्स को रीइशू कर सकते हैं। फिर लोगों के दिमाग में आ रहा होगा रैगिंग, हॉस्टल में मेन चीज़ आती है कि रैगिंग होती है, जी नहीं, इस हॉस्टल में रैगिंग नहीं होती है, ना ही हॉस्टल में ना ही कॉलेज में कोई भी रैगिंग नहीं होती है, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इसके
लिए। अगर आपको कोई भी परेशान, वैसे तो कोई नहीं करेगा, बाई चांस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपके साथ मिसबिहेव करता है, सो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, उनकी डिग्री रोक दी जाएगी। सो स्टूडेंट काफ़ी हम्बल है, काफ़ी अच्छे से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे ये वीडियो देख करके अगर एडमिशन लेंगे, या अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा और यूनिवर्सिटी में होगा, तो इस चीज़ से रिलेट करेगा कि हॉस्टल जाने के एक हफ़्ते बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं बहुत पहले से रह रहा हूँ। आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको अपने घर जैसा फील होता है। दो हॉस्टल हैं, जिस हॉस्टल में मैं रहती थी उसकी वीडियो मैं नीचे पर डाल दूँगी, आप देख लेना। आई होप मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा या आपके मन में कोई भी डाउट होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।